फाइनली दोस्तों रियल क्रिकेट 25 का वर्जन 4 आ चुका है, लेकिन रियल क्रिकेट 20 से रियल क्रिकेट 25 कैसे कन्वर्ट करना है? बिकॉज बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, किसी का गेम ओपन नहीं हो रहा है या फिर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जो कि लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बिना कोई टाइम वेस्ट करे मैं आपको बताने वाला हूँ कि रियल क्रिकेट 20 से रियल क्रिकेट 25 कैसे बनाना है। तो फिर चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे, सो लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है एंड यहाँ पर सर्च करना है रियल क्रिकेट 20 या फिर RC20 क्रिकेट गेम। एंड इतना सर्च करने के बाद आपको रियल क्रिकेट 20 का यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा और सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद कुछ भी नहीं करना है, सिंपली अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आगे क्या करना है। ओके, तो अब मैं अपने रियल क्रिकेट 20 को नॉर्मली रियल क्रिकेट 20 को ओपन करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये ओनली प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है एंड इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, यहाँ तक कि भाई ऑफिशियल जर्सी भी नहीं आई है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको रियल क्रिकेट 20 से रियल क्रिकेट 25 बनाना कैसे है। तो सिंपली दोस्तों आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, जहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मेरे टेलीग्राम का लिंक देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों टेलीग्राम पर जाने के बाद आपको यहाँ से इस प्रकार की फाइल को डाउनलोड कर लेना है, जो कि दोस्तों ऑलमोस्ट डाउनलोड होने वाला है। एंड डाउनलोड हो जाने के बाद सिंपली 3 डॉट पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से सेव टू डाउनलोड कर देना है। अब उसके बाद दोस्तों लास्ट एंड फाइनल प्रोसेस जो कि आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना है, यहाँ से अपनी वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना। तो जो मैं करने वाला हूँ वो सारा चीज आप अपने जेड आर्चीवर के अंदर भी कर सकते हो एंड अपने नॉर्मली माई फाइल के एप्लीकेशन के अंदर भी कर सकते हो, यानी कि दोनों के अंदर कर सकते हो और प्रोसेस बिल्कुल ही सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों माई फाइल्स को ओपन करना है एंड यहाँ पर सर्च करना है रियल क्रिकेट 25 वर्जन 4। अब दोस्तों ऐसा करते ही आपके सामने एक जेप फाइल आ जाएगी, सिंपली इस पे क्लिक करना है। नीचे की तरफ ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सट्रैक्ट का, सिंपली इस पे क्लिक कर देना है और एक्सट्रैक्ट हो जाने देना है। 10 सेकंड के अंदर ये हो जाएगा एंड उसके बाद दोस्तों आपके पास एक और न्यू फाइल निकल कर आएगी, जिसपे दोस्तों आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद मूव के ऑप्शन क्लिक करना है या फिर कॉपी का ऑप्शन पे। जेड आर्चीवर के अंदर कर रहे होंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएगा, कट एंड कॉपी का। दोस्तों मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, यानी कि कट कर रहा हूँ एंड मूव करने के बाद डायरेक्टली आपको भागते हुए चले जाना है एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर। एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर आने के बाद देन ओबीबी के फोल्डर के अंदर जाना है एंड उसके बाद आपको देखने को मिलेगा रियल क्रिकेट .3D का ऑप्शन। सिंपली दोस्तों इस पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक मेन चीज आएगी, जिसको अगर आप लोग स्किप कर देते हो या फिर नहीं करते हो या फिर ये नहीं आता है तो आपका कभी भी नहीं बन पाएगा ऐसा। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डू विथ ऑल सिमिलर आइटम्स एंड यहाँ पर दोस्तों इसको टिक कर देना है एंड रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों 10 सेकंड के अंदर आपका ये रिप्लेस हो जाएगा एंड उसके बाद दोस्तों आपका रियल क्रिकेट 20 से बन चुका है रियल क्रिकेट 25। तो चलो ओपन करके भी देख लेते हैं। एंड दोस्तों एक प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ आ रही है कि उन लोगों को T20 वर्ल्ड कप वाली जर्सीज देखने को नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों कहाँ मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर एरो पे क्लिक करते जाना है एंड अंडर 19 के सेक्शन में आने के बाद इंटरनेशनल टीम्स की जर्सीज देखने को मिल जाएगी एंड स्क्वाड भी देखने को मिल जाएंगे लेटेस्ट वाली। खेलो, एंजॉय करो एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय।